सो गाइज फाइनली अजमेर शरीफ घूमने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ। ढाई दिन में बताया था, ढाई दिन का झोपड़ा है एक, तो बताएंगे हमारे कल के जा रहे हैं। रहमत भाई, रहमत भाई बताए कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ढाई दिन के झोपड़े में क्या इसका खासियत? खासियत ये है कि यहाँ पे युद्ध हुआ था किसी जमाने में, हाँ, तो ढाई दिन में इसको बचाया गया था। ढाई दिन में बचाया, हाँ, जितना हिस्सा बच गया था उसको ही ढाई दिन का झोपड़ा नाम दे दिया गया। दोस्तों बताया जाता है ढाई दिन का झोपड़ा का हिस्ट्री जो है, मोहम्मद गौर अफगान के जो शासक थे वो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको ये जगह जो पहले संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो जब उनका नज़र इस विश्वविद्यालय पे पड़ा तो शास्त्र का नॉलेज और जो संस्कृति वहाँ संस्कृत था उसको देखते हुए उनके मन में ख्याल आया कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में आगे खतरा हो सकता है। तो उन्होंने अपने जो एक कुतुब सेना था उनको आदेश दिया कि इसको 60 घंटा के अंदर अंदर मंदिर को और विश्वविद्यालय को तोड़कर इसे मस्जिद में कन्वर्ट किया जाए ताकि मैं जब वापसी में आऊँ तो यहाँ पर नमाज अदा कर सकूँ। और इस मस्जिद का निर्माण जो है ढाई दिन के अंदर हुआ था, जो 60 घंटा आवर जो होता है वो ढाई दिन में आप बदल के देखेंगे तो ढाई दिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको ढाई दिन का झोपड़ा नाम पड़ा। भाई साहब कलाकारी जो करी गई है ना दीवार में बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही बारीकी तरीके से उस पर लिखा गया है उर्दू में, लिटरली अमेजिंग है चीज़ें। दोस्तों इस मस्जिद का निर्माण जो है 1192 ईस्वी में हुआ था, जो कि बताया जाता है इंडिया का इवन अजमेर का सबसे पुराना मस्जिद में से ये एक है। उस समय सबसे पुराना किला हुआ करता था, तो ये 800 साल पुराना ये ढाई दिन का झोपड़ा महल है, इसको ढाई दिन में तैयार किया गया था। यहाँ पे हर साल एक ढाई दिन का मेला लगता है जो कि बहुत ही फेमस है, तो आप लोग भी इस मेला में आए। अब मैं आ गया हूँ मार्केट एरिया में, तो यहाँ पे जो है ये मिठाई बहुत ही फेमस है अजमेर का, तो आप लोग जाएँ तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हम लोगों ने भी 5-6 पीस ट्रैक करा लिया था ताकि ट्रेन में सफ़र में खा सकूँ इसको, और अपना जो होता है कि यार हाँ अजमेर का एक मिठाई मेरे यादगार रहेंगे इस चीज़ों के रिगार्डिंग। तो आ गया है हम लोग का गाइस बिरयानी, अभी हम लोग बिरयानी खा रहे हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, बस केला खाए थे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये बिरयानी है, हम लोग का एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं है, फिर भी भूख लगी है बहुत ज़्यादा, खाना सबसे पहले देखते तो ये पूरा एरिया जो है भयंकर क्राउड वाली एरिया होता है, पूरा मार्केट एरिया है। दरगाह शरीफ और ये ढाई दिन का झोपड़ा एक ही रास्ते में पड़ता है, बस मतलब 200 या 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो पूरा रास्ता में आपको खाने पीने की चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड मिलेंगे, वो आप ट्राई कर सकते हो, साथ में बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पापड़ लिया था, ढाई दिन का झोपड़ा। अब चलते हैं तारा गड्डी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।